खबर राजधानी रायपुर से है, जहां योजनाओं के नामकरण को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नामकरण और नाम बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। इसके आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। वहीं न्याय यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। सभी को पता है कि इस यात्रा में क्या हो रहा है। वहीं प्रयास फाउंडेशन को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शैक्षणिक वातावरण के लिए लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। इस दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नाम न्याय यात्रा का दिया है, पर यह राजनीति की यात्रा है। जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है, यात्रा के समाचार आ रहे हैं, आप सबको पता है इस यात्रा में क्या हो रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगने का काम किया है।